Hello everyone. So in this video, let's discuss code forces around 783 division 2 problem B, that is social distance. As always, let's start by understanding the question. M chairs are arranged in a circle sequentially. ठीक है, क्या बोला गया है कि M chairs है हमारे पास जो कि एक circle में sequentially arranged की गई है. मतलब कि अगर ये circle है, यहाँ पे zero chair, first chair, second chair, third chair, fourth chair up to यहाँ पे m minus one chair और यहाँ पे nth chair. Sorry, zero से हम start कर रहे हैं, so zero to m minus one. The chairs are numbered from 0 to m minus 1, okay? N people want to sit in these chairs, ठीक है? अब ये जो m chairs है, इन पे n people को बैठना है, ठीक है? The eighth of them wants at least AI empty chairs on his right and left side. क्या बोला गया है कि ये जो n people है सभी के लिए एक वैल्यू दी गई है a of i. a of i क्या डिनोट करता है कि आइथ पर्सन जो है वो चाहता है कि वो जिस चेयर पे बैठे उसके दोनों तरफ लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड a of i नंबर ऑफ चेयर्स एम्प्टी होनी चाहिए. मतलब कि वहां पे और कोई नहीं बैठा होना चाहिए. सो सपोज द आइथ पर्सन इज सिटिंग हियर, सो ही और शी वॉन्ट्स दैट यहाँ पे AI नंबर ऑफ चेयर्स जो है इस तरफ वो एम्प्टी रहे. सिमिलरली यहां पे भी AI नंबर ऑफ चेयर्स एम्प्टी रहे, ठीक है? मतलब कि यहां पे और कोई नहीं बैठना चाहिए, एटलीस्ट बोला गया है. मतलब कि कम से कम AI नंबर ऑफ चेयर्स एम्प्टी रहे दोनों साइड, ऐसा आइथ पर्सन चाहता है और ये सभी n पीपल के लिए वैल्यू दी गई है. मोर फॉर्मली और फिर आगे एक फॉर्मूला दिया गया है. बेसिकली वो यही फॉर्मूला कहना चाहता है कि अगर आइथ पर्सन इस सीट पे बैठा है तो इस तरफ ए आई नंबर ऑफ सीट्स और इस तरफ ए आई नंबर ऑफ सीट्स खाली रहनी चाहिए, इनमें कोई नहीं बैठना चाहिए, देन यहाँ से वापस बैठ सकते हैं, ठीक है? डिसाइड इफ इट इज पॉसिबल टू सिट डाउन फॉर ऑल ऑफ देम अंडर द गिवन लिमिटेशंस. तो हमें बताना है कि अगर हमारे पास m नंबर ऑफ चेयर्स है जो कि सर्कल में से सिक्वेंशली है और उन पे n नंबर ऑफ पीपल को बैठना है, जहाँ पे आइथ पर्सन चाहता है कि वो जहाँ पे बैठा हो या बैठी हो उसके आसपास दोनों तरफ AI नंबर ऑफ सीट्स एम्प्टी रहे, तो क्या इस तरह से हम कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये हमें बताना है, ठीक है? सो अगर पॉसिबल है तो यस प्रिंट करना है, वरना नो प्रिंट करना है. इनपुट किस तरीके से है, इनपुट में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में एन और एम है, दैट इज नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ चेयर्स, और फिर नेक्स्ट लाइन में एरे ए है जो कि डिनोट करता है कि आइथ पर्सन को दोनों तरफ कितनी एम्प्टी चेयर्स चाहिए, ठीक है? कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें एम नंबर ऑफ चेयर्स पे एन नंबर ऑफ पीपल को बैठाना है सच दैट आइथ पर्सन के दोनों तरफ कम से कम ए आई नंबर ऑफ सीट्स एम्प्टी हो. अब एक बात समझो, अब अगर हमें एन नंबर ऑफ पीपल को एम नंबर ऑफ सीट्स पे बैठाना है तो यहाँ पे हम पहली चीज तो ये कि हमें बोला गया है कि आइथ पर्सन के दोनों तरफ वो चाहता है कि ए आई नंबर ऑफ सीट्स एम्प्टी हो, ठीक है? एटलीस्ट तो यहाँ पे एटलीस्ट को हम निकाल देते हैं. हम ये ट्राई करेंगे कि अगर पॉसिबल है तो ए आई ही नंबर ऑफ सीट्स एम्प्टी रहे, ठीक है? क्योंकि उससे ज़्यादा एम्प्टी रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि क्या हम एन पर्सन को एम सीट्स पे बैठा पाते हैं कि नहीं. तो अगर हम किसी को ए आई नंबर ऑफ सीट्स एम्प्टी चाहिए दोनों तरफ, लेकिन हम टू ए आई नंबर ऑफ सीट्स एम्प्टी रख देते हैं तो वो यूजलेस है. तो पहली चीज़ जहाँ तक पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं है तो बात अलग है. दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें उनको ऑप्टिमाइज करके बैठाना होगा सच दैट एम नंबर ऑफ चेयर्स में एन नंबर ऑफ पीपल आ जाए विद द गिवन कंडीशन. अब ऑप्टिमाइज कैसे होगा, ऑप्टिमाइज इस तरह से होगा कि अगर दो पर्सन जो नियर बाई बैठे हैं, ठीक है, उनके बीच में एम्प्टी सीट्स होगी, लेकिन सर्कल में जो कंसेक्यूटिवली बैठे है वो जो एम्प्टी नंबर ऑफ सीट्स है उनमें ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग हो, तो उन लोगों की जो कंडीशंस है कि एआई नंबर ऑफ सीट्स हमारे दोनों तरफ एम्प्टी रहनी चाहिए, वो कम से कम नंबर ऑफ चेयर्स ऑक्यूपाई करे, नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाई करे. कैसे, अब मान लो तीन पर्सन है, एक की ए ऑफ आई वैल्यू है 5, एक की ए ऑफ आई वैल्यू है 3 और एक की ए ऑफ आई वैल्यू है 1. अगर इसको 5 नंबर ऑफ सीट्स चाहिए एम्प्टी, इसको 3 नंबर ऑफ सीट्स चाहिए एम्प्टी और इसको 1 नंबर ऑफ सीट चाहिए एम्प्टी, तो अगर मैं इन दोनों को आसपास बिठाऊंगा तो इसकी जो 3 चेयर्स है वो इसकी 5 एम्प्टी चेयर्स के साथ ओवरलैप कर जाएगी, जबकि अगर मैं 5 के पास 1 को बिठाऊंगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चेयर ओवरलैप हो पाएगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये जो पर्सन है ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है,
P1 को मैंने यहाँ पे बैठा दिया, अब वो चाहता है कि पांच चेयर्स दोनों तरफ एम्प्टी रहे, तो यहाँ पे पांच चेयर्स आ गई और यहाँ पे पांच चेयर्स आ गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने P1 को बैठा दिया, यहाँ पे पांच चेयर्स एम्प्टी और यहाँ पे पांच चेयर्स एम्प्टी। अब मैंने क्या बोला कि हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज करने का यहाँ पे क्या तरीका है कि जो चेयर्स एम्प्टी हम रख रहे हैं, अगर हम दो पर्सन की कंडीशंस में जो ओवरलैप करवा दे नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स, तो जितनी ज़्यादा ओवरलैप करवाएंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि हम एम नंबर ऑफ चेयर्स में एन नंबर ऑफ पीपल को बैठा पाए, क्योंकि उतनी कम चेयर्स वेस्ट होगी जितनी ज़्यादा ओवरलैप होगी। तो यहाँ पे मैं फिफ्थ के बाजू में थर्ड को बैठा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे थर्ड को बैठाना चाहता हूँ, सॉरी P2 को, जिसका AOFI वैल्यू 3 है, तो उसके इस तरफ तो मान लो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड तो आपको एम्प्टी रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं P2 को यहाँ पे बिठाऊँगा तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पांच एम्प्टी चेयर्स है, उसको तो सिर्फ तीन चाहिए थी। और हम इस तरफ कितनी रखेंगे, तीन एम्प्टी रखेंगे, बिना वजह यहाँ पे चार एम्प्टी रखने का कोई सेंस है नहीं, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे AI नंबर ऑफ चेयर से एम्प्टी रखेंगे, जिस तरफ अब P2 के इस तरफ कोई ऑप्शन नहीं है, पांच रखनी पड़ेगी, तो वहाँ पे हम रख देंगे, एटलीस्ट थ्री बोला है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी जो तीन चेयर्स थी वो इसकी पांच चेयर्स के साथ ओवरलैप हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम P1 को रख देंगे, P1 को एक ही चेयर चाहिए एम्प्टी, सॉरी P3 को, तो यहाँ पे उसकी एक एम्प्टी चेयर आ जाएगी इसकी तीन चेयर्स में, और यहाँ पे उसकी एक चेयर रख देंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी हुई, 5 and 5 10 10 and 3, 13 13 and 14 14 and 3 चेयर्स जिन पे ये लोग बैठे हैं, तो टोटल 17 नंबर ऑफ चेयर्स हुई। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम 1 को P3 को इसके पास बिठाते हैं, तो यहाँ पे तो उसकी एक चेयर आ जाएगी जो उसको एम्प्टी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे हमें एक एम्प्टी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब P2 को यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि ये एक ही एम्प्टी चेयर है, इसको तीन चाहिए, तो हमें यहाँ पे दो और एम्प्टी चेयर लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे P2 आएगा एंड यहाँ पे उसकी तीन एम्प्टी चेयर, सो दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज 5। यहाँ पे टोटल चेयर्स कितनी हुई, 5 and 5 10 10 and 3 13 13 and 3 16 16 and 3, जहाँ पे ये लोग बैठे हैं, तो 19 नंबर ऑफ चेयर्स हुई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे P3 की जो एक चेयर है वो इसके साथ ओवरलैप हो रही है, और यहाँ पे P2 की तीन चेयर इसके साथ ओवरलैप हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स यहाँ पे डिक्रीज हो गई क्योंकि हमने ऑप्टिमाइज मेथड में रखा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें जो नंबर ऑफ ओवरलैपिंग चेयर्स है वो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल करना है। तो अब यहाँ पे हमें कंसेप्ट पकड़ में आ गया, हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जिसको सबसे ज़्यादा AOFI वैल्यू है उसको बिठा देंगे, फिर उसके बाद जिसकी कम AOFI वैल्यू है उसको बैठा देंगे, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो ताकि हर एक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग हो सके, ठीक है। सबसे पहले इसको बिठा, इसको अरेंज कर देंगे, फिर P2 को बिठा देंगे, उसके यहाँ पे AOFI जो वैल्यू होगी उसको ऐड कर देंगे एंड सो ऑन। तो जिसकी सबसे ज़्यादा AOFI वैल्यू है उसको सबसे पहले बैठाएंगे, फिर कम AOFI, फिर कम AOFI, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि हर एक पॉइंट पे नंबर ऑफ ओवरलैपिंग चेयर्स, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग एम्प्टी चेयर्स मैक्सिमम हो जाए, ताकि हमें एन पर्संस को एम चेयर्स में बिठाने का जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा हो जाए। आई होप कंसेप्ट क्लियर है, थोड़ा बहुत डाउट बचा, इंप्लीमेंटेशन देखते वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें, तो देखो हमारे पास एम है और एन है और AOF(n) है, ठीक है, ये एरे है। तो सबसे पहले तो हम AOF(n) को शॉर्ट कर देंगे और क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे ताकि हमारे पास ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए। तो अब A, A+N, ठीक है, इनको हमने शॉर्ट कर दिया। अब हमें M नंबर ऑफ चेयर्स है, सबसे पहले जिसको बिठाएंगे उसका क्या होगा, A0 नंबर ऑफ सीट्स दोनों तरफ एम्प्टी रहेगी और एक वो खुद ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कि यहाँ पे बिठाया, यहाँ पे A0 नंबर ऑफ सीट्स एम्प्टी, यहाँ पे भी A0 नंबर ऑफ सीट्स एम्प्टी। सो M इक्वल टू M-1 जो कि ये बैठा है, -2 टाइम्स A0 इफ M इज 0 less than 0, मतलब कि सीट्स खत्म हो गई, तो क्या कर देंगे, प्रिंट नो कर देंगे और नेक्स्ट टेस्ट केस में कंटिन्यू कर देंगे, वरना फिर हम क्या कर सकते हैं, फॉर i=1 i <n> i++ हर एक पर्सन को अब बिठाएंगे। अब किसी पर्सन को बिठाएंगे तो अब कितनी हमें सीट्स रोकनी पड़ेगी,
अब पहले में ही ये चेक करना पड़ेगा। अब जो रिमेनिंग पर्सन्स को हम बिठाएंगे, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो अब जिसको भी बिठाएंगे उसकी लेफ्ट साइड वाली तो ओवरलैप ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएगी जो उसको एम टीचर्स चाहिए, हमें सिर्फ राइट साइड वाली एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी और एक वो जो बैठा है वो। सो इफ़ आई इक्वल्स टू एन माइनस वन, ये मैं आगे समझाता हूँ, अभी हम एल्स वाला पार्ट लिख देते हैं। m इक्वल्स टू m माइनस वन, m क्या है नंबर ऑफ चेयर्स रिमेनिंग, माइनस a ऑफ i, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला तो ऑलरेडी इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, एक वो बैठेगा और एक राइट साइड वाला। अगर i इक्वल टू n माइनस वन है, मतलब कि यहाँ कहीं पे होगा, या तो यहाँ कहीं पे या तो यहाँ कहीं पे, तो उसकी a ऑफ i वैल्यू तो लिस्ट है, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होगा वो तो ऑलरेडी ओवरलैप होता होगा, और राइट साइड में हमें अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लो वो यहाँ पे है तो वो इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, जो फर्स्ट पर्सन था उसके लेफ्ट पोर्शन के साथ, अगर और कहीं पे है तो बीच में है ही जगह, और अगर इसके साथ ओवरलैप हो रहा है तो इसकी वैल्यू तो इससे कम ही है, बिकॉज हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो इसको हम एंड में माइनस नहीं करेंगे, एंड में सिर्फ क्या आएगा m इक्वल्स टू m माइनस वन, क्योंकि उसको उसके दोनों तरफ की जो चेयर्स है वो एम्प्टी है, वर्स्ट केस में वो यहाँ पे बैठेगा तो फिर वो उसके साथ फर्स्ट पर्सन के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में ओवरलैप हो जाएगा, तो वो काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी, या तो फिर आप एंड में भी चेक कर सकते हो, या तो बीच में भी कहीं अगर m की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाती है, ठीक है, या तो आप एंड में चेक कर सकते हो, तो एक फ्लैग वेरिएबल रख सकते हो जिसकी वैल्यू वन कर देंगे, इनिशियली उसकी जीरो रखेंगे, फिर एंड में अगर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू जीरो ही रही, इसका मतलब पॉसिबल है, तो हम सिंपली यस प्रिंट कर देंगे, वरना फिर एल्स प्रिंट नो, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन दोनों तीनों क्लियर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ एन, यहाँ पे बोला गया है कि एक फुल लूप लग रहा है, समेशन ऑफ एन ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन 10 की पावर 5 है, सो ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है, इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।